आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुअम्मर अल गद्दाफी की बायोग्राफी का रिव्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 उसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये उसका पार्ट 2 यानी कि भाग 2 है। किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से _education_connect पे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने काफी चीजें देखी थी। हमने देखा था कि चाइल्डहुड कैसा था, ये काफी गरीब परिवार से आए थे, पिताजी इनके नोमैड थे, इधर से उधर काफी ट्रैवल करते थे। मिलिट्री स्कूल में उसके बाद ये ज्वाइन होते हैं। मिलिट्री स्कूल में बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन इनका एक पॉलिटिकल कैरिज्मा होता है जिसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम में आते हैं। किंग इद्रिस की आर्मी में ये जनरल होते हैं और वहां से फिर एकदम से 1969 में ये एयरपोर्ट और जितने भी जो मेन मेन जगह होती है, पासपोर्ट ऑफिसेस और रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, बोलते हैं रेवोल्यूशन ने बिल्कुल अपना स्थान ले लिया है और एकदम से तख्ता पलट हो जाता है। पूरी की पूरी सत्ता मुअम्मर अल गद्दाफी के हाथ में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि 1951 में लीबिया इंडिपेंडेंट होता है, पहले इटली का राज होता है। इटली बहुत ब्रूटल होते हैं, हालत खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं लीबियंस को। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद लीबिया को 1951 में इंडिपेंडेंस मिलता है तो जो किंग होते हैं, जो राजा होता है वहां पे इद्रिस, वो भी एकदम ही अजीब होता है, बहुत करप्ट होता है और पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्ट से, जिसकी वजह से काफी करप्शन होता है और बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमिकली लीबिया डेवलप नहीं कर रहा होता है। इस वजह से ये सारा पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होता है और फाइनली सरकार मुअम्मर अल गद्दाफी की आती है। शुरू के 4 साल तो काफी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ऑयल को बहुत ही अच्छे से, ऑयल की फंडिंग को एक सोशलिस्ट स्टेट को बनाने में यूज करते हैं, मतलब जो ऑयल की फंडिंग आते हैं उनको काफी अच्छे कामों में, कंस्ट्रक्टिव कामों में यूज करते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, वुमेन्स के लिए काफी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उससे, एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आते हैं, लेकिन धीमे 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 चीजें खराब होने लगती हैं। अब हम देखेंगे चीजें खराब कैसे हुई, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो अरब के जो लीडर थे, ठीक है, नासिर, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और बेसिकली चाहते क्या थे ये कि रशिया और यूएसए ये दो बहुत बड़े वर्ल्ड थे, एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता था, सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता था इन लोगों को, ठीक है। गुट था दोनों का, रशिया कम्युनिज्म और यूएसए पूरा का पूरा डेमोक्रेसी, दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। लेकिन लीबिया चाहता था, मतलब गद्दाफी चाहते थे कि एक थर्ड वर्ल्ड बन जाए, तो दूसरी कंट्रीज के पास ऑप्शन हो, तो वो पूरा का पूरा यूनिफिकेशन और एक यूनिटी चाहते थे पूरे अरब वर्ल्ड में। यूनिटी, भैया अरब वर्ल्ड में यूनिटी बहुत जरूरी भी थी, ऑयल रिच कंट्रीज है, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी तो इस समय, ठीक है, देख ही रहे हैं आप यूएसए और ईरान में कितनी ज्यादा तनातनी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि क्या कहते हैं कि कहीं तेल के दाम ना बढ़ जाए, और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे क्योंकि कर्नाटक इलेक्शंस की वजह से अभी बीजेपी सरकार ने ऑयल नहीं बढ़ाए, ऑयल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हो सकता है जैसे इलेक्शंस खत्म हो शायद ऑयल के प्राइस रेज हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं बढ़े हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा डर लगता है कि कहीं मिडिल ईस्ट में अगर कोई भी क्राइसिस है तो उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा ऑयल पे, तो यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो चाहते थे गद्दाफी की पूरा एक यूनिफिकेशन हो अरब वर्ल्ड का और एक बढ़िया यूनिटी बढ़े, थर्ड वर्ल्ड क्रिएट हो जाए और हम एक पावर बने, ठीक है, तो ये चाहते थे। इससे इसमें बहुत बड़ा काम था नासिर का, ठीक है। ये जो नासिर थे ये कौन थे, 1952 में जो इजिप्शियन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसके पॉनियर थे ये, जनरल थे ये, ठीक है, पहले तो ये थे। दूसरे कौन जनरल थे जिनकी जिनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और हीरो मानते थे गद्दाफी इनको, तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और ऐसा लग भी रहा था कि इजिप्ट और लीबिया में जो रिलेशन बहुत ही जबरदस्त होंगे और दोनों हो सकता है एक भी हो जाए, कोई बड़ी भी बात नहीं थी, ठीक है, जिसमें इजिप्ट भी था, सीरिया, और एक चीज और, हाँ, एक्सपेंशन भी चाहते थे लीबिया का, जैसा कि मैंने बताया अरब यूनिटी चाहते थे, ठीक है, उस यूनिटी में सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, इराक, सूडान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो ऐसी जबरदस्त यूनिटी चाहते थे जिसको कोई हिला भी ना पाए, तो एक्सपेंशन चाहते थे ये काफी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि नासिर की एकदम से मौत हो जाती है, ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब क्या होता है, देखिए 1969 में त्रिपोली चार्टर भी साइन होता है, ठीक है, ये त्रिपोली चार्टर क्या था, इजिप्ट और सूडान के बीच साइन होता है। अब ये क्या था, इसमें क्या प्रोविजंस थे,
हर चीज में कोऑपरेशन। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज था कि जैसा कि मैंने बताया कि एक ही अफ्रीका, मतलब एक ऐसा अरब वर्ल्ड चाहते थे ये जो पूरा मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका को कवर करे, और ये इसमें पहला स्टेप था। ठीक है, हर चीज में हम कोऑपरेट करेंगे, जो आपको चाहिए सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो इस ये चार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस वक्त के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नासिर की एकदम से डेथ हो गई 1970 में, तो जितने भी इनके प्लान्स और प्रोग्राम्स थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि अगले जो आए अनवर सादत, वो इनकी पॉलिसीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी पॉलिसी तो बहुत नहीं चलेगी, आप काफ़ी रेडिकल हैं और इससे तो कंट्रीज गड्ढे में चली जाएगी, हम बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं थे। तो उस तरह से एक्सपेंशन भी फिर आगे नहीं हो पाया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इसको वो बहुत टाइम तक इसको एक्सटेंड करते रहे। लेकिन अब दिक्कतें होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब टर्न अराउंड का वक्त था। भैया इनकी जो पॉलिसीज थी, देखिए हो सकता है बहुत लोगों को ये लगे कि मेरे ये वर्ड्स जो है वो थोड़े कड़वे हैं, क्योंकि गद्दाफी को बहुत लोग हीरो मानते हैं। उन्होंने नो डाउट शुरू में तो बहुत ही जबरदस्त काम किया, नो डाउट, लेकिन धीमे 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 वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले गए, फिर लास्ट में फिर वो संभले। लेकिन पब्लिक ने, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, पब्लिक ने ही उनको उखाड़ फेंका। इनका बहुत खराब अंजाम हुआ था, जो टीवी क्लिपिंग्स वायरल हुई थी इनको जो पीटने की, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। ठीक है, तो पब्लिक ही इतनी ज्यादा इनके रूल से त्रस्त हो गई थी कि कोई चारा ही नहीं बचा था। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। अब गद्दाफी जो थे भैया, अमेरिका और ब्रिटिश से तो बहुत ज्यादा चिढ़ते ही थे, मिलिट्री बेसिस बंद कर दो लीबिया में। ठीक है, ज़ायनिज्म, इसराइल, यहूदी, सबको ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली ज्यूइश है तो ये बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं थे। वैसे ज्यूइश, हिटलर को भी ज्यूइश बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। देखिए ज्यूस का जो मतलब हिस्ट्री रही है, पहली बात तो ज्यूस काफ़ी इंटेलिजेंट लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी पैसा कमाया, शुरू से ही अमीर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत से इन्होंने पैसा कमाया है। ठीक है, काफ़ी अमीर। अब इससे काफ़ी लोग जलते हैं, भाई जाहिर सी बात है, मैक्सिमम लोग, अगर आप बहुत अमीर है और बाकी लोग गरीब है तो 110% कॉन्फ्लिक्ट होनी ही होनी है। यही हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं था, और यहूदियों को, ज्यूस को मरवाना शुरू कर दिया। ठीक है, गद्दाफी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनको पसंद बिल्कुल नहीं, तो एक्सपेल करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि गद्दाफी, मतलब जो ये पॉलिसीज थी, एक तो काफ़ी ज़्यादा सबके अगेंस्ट हो जाना, तो ये लोगों को पसंद भी नहीं आई। दूसरी चीज़ इन्होंने एक बहुत बड़ी कर दी थी, इन्होंने एक डेमोक्रेसी का अलग ही स्टाइल इन्वेंट कर दिया था। 1970 में इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, ग्रीन बुक। ठीक है, ये जो ग्रीन बुक थी, ये एक तरह से सेल्फ डेमोक्रेसी थी, और खुद की पॉलिसी जो गद्दाफी की थी वो बिल्कुल इसका इम्प्लीमेंटेशन था। ये ग्रीन बुक थी, ये जो ग्रीन बुक थी, ये रेड बुक जो माओ ने लॉन्च की थी उस पर बिल्कुल बेस्ड थी। भैया माओ ने जो कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था ना, काफी प्रभावित थे ये माओ से। कल्चरल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया था, भयंकर तरीके से कैपिटलिस्ट लोगों को मारा गया था, बुरी तरह से खींच के रोड पे लाके उनको मारा गया था, और भयंकर कत्लेआम हुआ था। तो उसी पे ही बेस्ड उन्होंने ये ग्रीन बुक लॉन्च की थी। ठीक है, हालांकि मोटिव तो बहुत बढ़िया था, लेकिन चीजें वैसी हुई नहीं जैसा ये चाहते थे। खुद को वैसे लिबरेटर कहलाना चाहते थे गद्दाफी। ठीक है, इन्होंने सारे टाइटल्स भी छोड़ दिए थे, रेनाउंस कर दिए थे सारे टाइटल कि मुझे कोई भी टाइटल नहीं चाहिए। तो इससे लोग काफी परेशान भी हुए। ठीक है, जो फ्लैग था उस समय लीबिया को पूरा ग्रीन हो गया, पूरा का पूरा ग्रीन। ठीक है, और इनका धीमे धीमे जो रूलिंग स्टाइल है ना, वो एकदम एसेंट्रिक होता गया। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसी की वजह से अब जो इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। पॉलिटिकल किलिंग्स भी ये करने लगे थे धीमे धीमे, षड्यंत्र करना इनके खिलाफ शुरू कर दिए, प्लॉटिंग शुरू कर दी। ये जब गद्दाफी को पता चला तो काफी उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा भी ली थी, तो अपने इर्द गिर्द काफी सिक्योरिटी गार्ड्स भी लेके चलते थे। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो जिस चीज के लिए गद्दाफी आए थे वो एक्चुअली में उनके खिलाफ ही हो गई, और एकदम से अब टर्न अराउंड होना शुरू हो गया। सेल्फ डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली था क्या कि उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक का है उनको दे दो, वो कैपिटलिज्म से बिल्कुल उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पसंद थी, इंपीरियलिज्म बिल्कुल नहीं पसंद था। ठीक है, उससे बोलते थे बहुत ज्यादा करप्शन होता है, लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ अमीर लोग कमाते हैं, बाकी सब गड्ढे में जाते हैं। कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने बोला इसलिए ये जो भी डेमोक्रेसी है ये सब हटा लो, और मैं सेल्फ डेमोक्रेसी तुमको दे रहा हूं, सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर है वो तुम्हारे हाथ में है, जो पब्लिक का है पब्लिक को दे दो,
और उन्होंने लोगों को पावर दे दी। देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये जाननी पड़ेगी दोस्तों कि आप लोगों को पावर तभी दे सकते हैं जब जो पीपल हो वो हाईली मैच्योर हो, बहुत ज्यादा वो नॉलेजेबल पर्सन हो और काफी इंटेलेक्चुअल हो, काफी मतलब कॉमन सेंस हो। वैसे तो एजुकेशन और कॉमन सेंस दो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि एक इंसान बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो तो उसमें कॉमन सेंस भी हो, और जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्यादा जिसमें कॉमन सेंस हो, जो बहुत ही समझदार हो, एजुकेटेड हो, तो ये दो अलग अलग चीजें। लेकिन फिर भी कॉमन सेंस और थोड़ा तो एक अपग्रेडेशन लोगों का होना ही चाहिए, तभी आप उनको पावर दे सकते हैं। वरना तो आप लॉ एंड ऑर्डर यहां पर हटाए, अगले दिन लड़के मर जाएंगे सब लोग। ठीक है, उस समय चीजें बहुत खराब थी, ठीक है, काफी रेवोल्यूशंस हो रहे थे और फंडिंग भी हो रही थी, टेररिज्म ग्रुप्स का भी उदय उसी समय चल रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स वहां से निकले। अब कोई इंसान अगर बाहर जाता था और वापस अपने घर में आता था तो देखता था पता नहीं कौन बैठा हुआ है, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, कोई भी किसी को भी मार रहा है, काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीमे धीमे क्या हुआ कि लोग इनके अगेंस्ट हो गए, लोगों ने शहर को छोड़ना शुरू कर दिया, स्पेशली जो व्यापारी थे, इन्होंने तो बिल्कुल एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बैन ही कर दिया था। ठीक है, तो अब जो धीमे धीमे जो ये जितनी भी पॉलिसीज थी ये इनके खिलाफ भी, जो बिजनेसमैन थे उनके खिलाफ भी चली गई। ठीक है, काफी बढ़ चढ़ के नेशनलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन लगभग खत्म कर दिया गया, तो इसकी वजह से जो रोड्स थी ना वो बिल्कुल शहरों की खाली होती चली गई। तो लोगों को ये बहुत खराब लगा बेसिकली कि जिस शहर में हम लोग रहते थे और जिस मोटिव के लिए गद्दाफी आए थे वो सर्व नहीं हुआ और बिल्कुल उल्टा हो रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी सारी चीजों की वजह से इनके ऊपर एसोसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हुए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बच गए। तो काफी हेवी गार्डेड रहते थे, बहुत इनको प्रोटेक्ट भी किया जाता था। आरसीसी, पिछली बार बताया था ना आरसीसी कौन है, चलिए रिविजन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आरसीसी का फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, आरसीसी पूरा का पूरा कंट्रोल करने लगी हर चीज में, पूरा कंट्रोल आ गया। 1980 तक लगभग हर चीज उन्हीं के कंट्रोल में आ गई, स्टेट के पूरा कंट्रोल में आ गई, प्राइवेटाइजेशन नहा ही नहीं। तो क्या हुआ था, ये कांटे हो गए थे, ही वाज अ थॉर्न हो गए थे वो, थॉर्न हो गए थे वो वेस्टर्नर्स, और इनफैक्ट अरब की भी आंखों में, अरब वर्ल्ड की भी आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, काफी ज्यादा रेडिकल हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और दूसरी बात है जो ऑयल रेवेन्यू था वो भी फॉरेन कॉजेस पे काफी जाता था। फॉरेन कॉजेस क्या, देखिए तेल से भयंकर पैसा, भीषण पैसा आया, ये बहुत ज्यादा टेररिस्ट फंडिंग करते थे, वो ये ऐसा मानते थे कि ये काफी रेवोल्यूशन मतलब क्रिएट करेंगे, और जितने भी रेवोल्यूशन ग्रुप, उस समय क्यूबन रेवोल्यूशन भी था, वहां पे भी ये फंडिंग कर रहे थे, काफी फंडिंग्स भी ये कर रहे थे, छे गुएरा को भी काफी फंडिंग कर रहे थे। ठीक है, वो बाद में क्यूबा छोड़ के अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो वहां पे भी वो फंडिंग उनकी जारी थी, तो फंडिंग भी ये करने लगे थे। तो लोग ये बोलते थे भैया पहले यहां तो देख लो ना, देश में देख लो, बाद में बाहर जाना तुम, पहले अपने देश की हालत सुधारो। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और स्पेशली जो बिजनेस क्लास थे, जो मर्चेंट क्लास थे, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। पॉपुलर रेवोल्यूशन इन्होंने चला दिया भैया, 1969 में सत्ता में आए, 73 तक ठीक रहा सब कुछ, उसके बाद सब बेड़ा गर्क करके रख दिया। पॉपुलर रेवोल्यूशन चला दिया, कल्चरल रेवोल्यूशन पे बेस्ड था, जो कि चाइना में आया था। चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, भयंकर तरीके से माओ लेके आए थे, सत्ता से बाहर किया था माओ को, उसके बाद वापस ऐसा पलटवार किया था कि हालत खराब कर दी थी। उनका रिव्यू अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे, मैंने किया हुआ है, तो जरूर देखिएगा उसे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के ही पदचिन्हों पे ये पॉपुलर रेवोल्यूशन ले आए, हालांकि ब्रुटैलिटी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हालत बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त। अब उसके बाद ये 5-पॉइंट प्लान लेके आए। ठीक है, 5-पॉइंट प्लान उन्होंने इनिशिएट किया। वैसे तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, माओ ज़ेडोंग और डेंग ज़ियाओपिंग दोनों की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, तो आप देखिएगा जरूर, उससे आपको और अच्छा एक ओवरव्यू मिलेगा। तो ये 5-पॉइंट प्लान लेके आए भैया, और ये प्लान ने अगेन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। सबसे पहले तो था जो भी लॉज है भैया रेवोल्यूशनरी इनैक्टमेंट से उसको रिप्लेस कर दो। दूसरा ये था कि जितने भी ओपोनेंट्स हैं रेवोल्यूशन के हटा दो, All opponents of the revolution had to be removed. तीसरा ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन को मतलब ये जो तीसरा enactment है वो ये कहता था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन लेके आओ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन मतलब क्या होता था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास जिनको बुर्जुआ कहते थे, रशिया में कहते थे ना, रशियन रेवोल्यूशन में इन्हीं के खिलाफ रेवोल्यूशन था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इनको हटा देंगे। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही था कि जो पावर है वो लोगों को ही दे दो। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट ये था कि लोगों की पीपल्स कमिटीज होनी चाहिए अगेन, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा समझदारी समझदार होना चाहिए, काफी अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है, वरना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हुई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और अल्टीमेटली ये आम जनता को ही सफर करना पड़ता है और किया, ठीक है, किसी भी रेवोल्यूशन को डिफेंड कर सके उस हिसाब से, उस हिसाब का अपग्रेडेशन हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। दूसरी बात, कल्चरल रेवोल्यूशन एक स्टार्ट कर दो, फॉरेन इन्फ्लुएंस को कम कर दो, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें कर दी इन्होंने ये 5 पॉइंट प्रोग्राम ला करके, जो पब्लिक का है पब्लिक को दे दो, बाकी कोई सुनना है ही नहीं, कोई सुनवाई है ही नहीं। तो लोग ये बोलते थे कि जस्टिस मिलता ही नहीं है, कोई भी किसी को कर कुछ भी कर देता है तो जस्टिस रहा ही कहां, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब क्या हुआ, अब जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है, फाइनली इसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है, तो जीपीसी जनरल्स पीपल कांग्रेस, गद्दाफी जी की सरकार, इन्होंने क्या किया कि अरब को ही चेंज कर दिया। बहुत सी पॉलिसीज देखिए, काफी सोशलिस्ट पॉलिसीज थी और सोशलिज्म को काफी फेवर भी करते थे ये शुरू में, तो बिल्कुल ही सोशलिज्म जो कि सही बात है, लेकिन उस तरह से हुआ ही नहीं जिस तरह से वो चाहते थे, वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उसको बोला रिप्लेस कर दो, ग्रेट सोशलिस्ट पीपल लिबियन अरब जमा रही, ठीक है, जमा हिरिया से इसको रिप्लेस कर दो, सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है, नाम ही सोशलिस्ट हो गया, फिर बोलने को कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी फाइनली इस्टैब्लिश हो गई और लोग अब आराम से इसको रूल करेंगे। ऐसा नहीं है इनके खिलाफ प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ये नेशनल फ्रंट ऑफ सेल्वेशन ऑफ लीबिया, ये इनके खिलाफ उठ के खड़ा हुआ, 1981 में इसको फाउंड किया था और काफी मिलिटेंट अटैक्स भी किए, जो इनके लीडर थे मोहम्मद मागरिफ, उन्होंने काफी अटैक्स भी किए, तो चीजें कोई ना कोई तो उठ के खड़ा हो गई, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ, 1980 में वैसे तो जीपीसी के ये पूरा हेड थे, स्टेप डाउन और फिर वापस पावर में आना, ये तो चलता रहता था गद्दाफी का, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 1980 में इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल प्रेस का ले लिया, तो 1980 तक बेसिकली जितनी भी चीजें थी वो सब इनके अंडर आ गई थी, पूरा स्टेट स्पॉन्सर कर रहा था, ठीक है, तो चीजें बिल्कुल उलट हो गई थी। अब टेररिस्ट फंडिंग हुई तो यहां पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। 1979 ने यूएस ने अमेरिका ने क्या किया, कांटे थे भैया ये वेस्ट के, बिल्कुल जो वेस्टर्नर्स थे उनकी क्या, उनकी तो आंखों का नासूर बन गए थे ये, और हटाना बहुत जरूरी हो गया था, तो अमेरिका ने उनको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में भैया डाल दिया, ठीक है। वो स्टेट जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, टेररिज्म जहां से पनपता है, उस लिस्ट में डाल दिया। बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग जाते हैं, फिर बहुत से प्रोविजंस एकदम ही अगेंस्ट हो जाते हैं, आप एक तरह से दुनिया से ही कट जाते हैं, क्योंकि यूएसए सबका पापा है, ठीक है, और काफी डिक्टेट भी करता है यूएसए। वैसे अमेरिका के बारे में आपको बता दूं कि मैक्सिमम टेररिज्म जो जिनका उदय हुआ है वो अमेरिका की ही वजह से हुआ है। अमेरिका क्या करता है, दो लोगों को लड़वाता है, ठीक है, दो लोगों को लड़वाएगा, फिर जो दो लोग लड़े हैं दोनों पार्टी को हथियार सप्लाई करेगा। तो सबसे बड़ा जो रोड़ा है और सबसे बड़ा जो मैनिपुलेटर है वो तो यूएसए है, ठीक है, हम देख चुके हैं मुजाहिदीन के केस में 1980s में क्या हुआ था, ठीक है। तो पूरा का पूरा इनकी तो बात ही कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन टेररिस्ट उस समय एक्टिव हो गए थे। अब क्या हुआ था कि लीबियन टेररिस्ट जो थे वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे। बर्लिन डांस क्लब में सबसे जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, ठीक है, सॉरी काफी लोग इंजर्ड हुए थे, ठीक है। उसके बाद प्लेन्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और जगह भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सीधा सीधा जो इल्जाम था वो लीबिया पे लगाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा जो इसमें इंसिडेंट है वो थी लॉकर बी बॉम्बिंग। ये बहुत भयंकर बॉम्बिंग हुई थी, प्लेन ही उड़ा दिया था। इससे पहले एक चीज और बता दूं, देखिए वेस्ट ने काफी उकसाया भी था, ठीक है, यूएसए ने एक बॉम्ब उड़ा दिया था 1985 में, बॉम्ब कह रहा हूं, प्लेन उड़ा दिए थे दो, ठीक है, लीबिया के प्लेन उड़ा दिए थे यूएसए ने, तो वो दो प्लेन उड़ाए थे, उसी के ही बदले में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया और उसके बाद फिर सीरीज ऑफ बॉम्बिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, यूएसए और ब्रिटिश ने दोनों ने मिलके एयर स्ट्राइक भी की थी बहुत ज्यादा। जब ये बॉम्बिंग्स हुई थी ये जर्मनी में और इटली में, तो वहां पे उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, अब तो खैर नहीं। 1986 अप्रैल 1986 में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूएसए और ब्रिटिश ने बॉम्ब गिराए, एयर स्ट्राइक्स की, और त्रिपोली में बॉम्ब गिरा, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे गिरा जहां पे गद्दाफी रहते थे। बहुत ज्यादा हानि हुई गद्दाफी को, ठीक है, उनकी जो एडॉप्टेड डॉटर थी है ना, उनकी डेथ हुई, उनके बेटे काफी घायल हुए, तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था उनके लिए और काफी डर भी गए थे, इससे अंडरग्राउंड हो गए थे।
किसी को पता ही नहीं चला 1986 बॉम्बिंग के बाद वो गए कहां, जिंदा है कि मरे भी, जिंदा है कि मर गए वो, ठीक है, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन फिर वो वापस आए, है ना, उसके बाद वापस आए, और फिर उसके बाद ये बॉम्बिंग हो गई, लॉकरबी बॉम्बिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा, एक प्लेन जा रहा था, ठीक है, ये स्कॉटलैंड के ऊपर जा रहा था, 259 लोग थे वहां पे, 260 लगभग लोग थे, उस उड़ा दिया उसको, ठीक है, उस प्लेन को उड़ा दिया, उसके जो टुकड़े नीचे गिरे उससे 11 लोग और मर गए। सीधा सीधा नाम आया कि लीबिया के टेररिस्टों ने यह किया है, अब इनकी खैर नहीं, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन गद्दाफी ने इसको बिल्कुल मना कर दिया, गद्दाफी ने यह बोला कि हम जो हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि क्या हुआ था कि इनके जो मेन अक्यूज्ड थे उन पे केस चलाना था, यूनाइटेड नेशंस यूएसए बोला था कि इनको यहाँ पे भेजो, केस चला के इनको सीधे जेल में डालेंगे हम। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो 110% अगर गद्दाफी का हाथ वैसे तो था ही, सीधा सीधा बोल देते इनका हाथ है तो प्रॉब्लम सीधा इनके ऊपर आ जाती, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं नहीं भेजने वाला, गद्दाफी ने बोल दिया कि मैं कोई भी लोगों को, जो भी प्रोसिक्यूटेड, जो भी अक्यूज्ड है, जिनके ऊपर इल्जाम है, उनको कहीं पे नहीं भेजूंगा, यहीं पे रहेंगे। तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए। 1989 में एक और बॉम्बिंग हुई थी, तो लगातार ये किलिंग का सिलसिला, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल पीरियड था, भारत में भी इस समय बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, कश्मीर इशू बहुत जबरदस्त था, ठीक है, तो ये जो अनस्टेबिलिटी थी और ये राइज ऑफ द टेररिस्ट जो था, ठीक है, ये होने लगा, उदय इसका जो जन था वो फाइनली हुआ, और ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। उसके बाद सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगते चले गए, ठीक है, तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए, ठीक है, हालांकि 2001 में फाइनली ये माने, इन्होंने बात मानी। देखिए ये जो बॉम्बिंग्स के बाद और इतने ज्यादा जो यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस लगाए थे, और उसके बाद जो इतना ज्यादा लीबिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, इनफैक्ट जो मोस्ट इस्लामिस्ट थे, जो इनको सब पहले जो इनको सपोर्ट करते थे, वो इनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है, वो इनके अगेंस्ट हो गए, और जो इनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो शेयर करते थे जाके कि ये तो ऐसा ऐसा करते हैं और इनकी गवर्नमेंट ऐसे चलती है, तो ये जाके ब्रिटिश और अमेरिका को बताते थे, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस को। तो इन सारी चीजों ने गद्दाफी को थोड़ा सा लिबरल बनाया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब मुझे लगता है ठीक तरह से काम करना पड़ेगा, इतनी ऑपरेसिव पॉलिसी अगर करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो वहां से इनका जो रुख था वो थोड़ा नरम पड़ा, ठीक है। 2001 में इन्होंने जो अक्यूज्ड थे, जो बॉम्बिंग में अक्यूज्ड थे, उनको फाइनली भेजा प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, और वो प्रोसिक्यूट भी हुए, और वहां से यूनाइटेड नेशंस ने तो अपना सैंक्शन हटा लिया, लेकिन यूएसए ने उसको बिल्कुल जारी रखा, ठीक है, तो फिर वहां से चीजें बदली। अब सीधे हम जाते हैं, देखिए उसके बाद 2000 और 2010, 2000 के बाद तो जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर्स उड़ा दिया गया था, उसके बाद तो फिर ऐसा भयंकर तरीके से अमेरिका ने रिट्रीट किया, और काफ़ी फिर जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी उसको कम करने में अमेरिका कामयाब भी रही, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लोगों में डर भी बैठा, जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनमें डर भी बैठा, और फिर ओसामा का भी हंट, तो इसमें दिक्कत क्या हुई कि इस इवेंट के बाद, 9/11 के बाद ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये थोड़ी थमी, ठीक है, ग्लोबली थोड़ी थमी, तो फिर क्या हुआ कि इनका अब मुद्दा बदल गया, गद्दाफी अब पूरा का पूरा यूनिफिकेशन चाहने लगे अरब और अफ्रीका का, और इसी में लगे रहे, हालांकि ये थोड़े नरम पड़ गए, ठीक है, अपने अप्रोच में काफी नरम पड़ गए, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की भी बात करने लगे और चीजों को फिर सही ढंग से देखने भी लगे, लेकिन इनका जो मोटिव था वो चेंज नहीं हुआ था, चीजों को सही ढंग से इसलिए भी देखने लगे थे क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था उस समय तक, ठीक है। अब 2010 में अरब स्प्रिंग होता है, मैं सीधा 2010 पे ही जंप कर रहा हूं, ठीक है, 2010 में अरब स्प्रिंग होता है, इतना बड़ा रूल गद्दाफी का फाइनली एंड होता है, 2011 में इनको पीट पीट कर मार दिया जाता है। मोहम्मद बुआजीजी अरब स्प्रिंग पे, हालांकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मोहम्मद बुआजीजी आग लगा लेते हैं, ठीक है, दिसंबर 2010 में वो चिंगारी भड़क जाती है, सबसे पहले टूनीशिया में रेवोल्यूशन होता है, टूनीशियन रेवोल्यूशन, जीना एल अबदीन, ये जो वहां के डिक्टेटर होते हैं, लॉन्ग टाइम डिक्टेटर, उनको उखाड़ फेंका जाता है। उसके बाद इजिप्शियन रूलर होस्नी मुबारक, इनको उखाड़ फेंका जाता है, डर लगता है अब ये तो लीबिया में भी आएगा, हालत खराब हो जाएगी। बेंगाजी सिटी में यही होता है, हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, बहुत क्रश करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये चीजें थम जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, बहुत उल्टे सीधे बयान देते हैं कि ये तो ड्रग एडिक्ट्स हैं, अलकायदा के लोग हैं और ट्रेटर्स हैं और टेररिस्ट हैं, इनका क्या है, ये सब बेवकूफ हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो आम पब्लिक होती है, स्पेशली यूथ, हम और आपकी तरह प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इजिप्ट में कायरा
तहरीर स्क्वायर, तहरीर स्क्वायर जो है ना कायरो में, इजिप्ट की कैपिटल, तहरीर स्क्वायर है वहां पे, ठीक है, वहां पे लोग डेमोन्स्ट्रेट मतलब मास प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं और बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स ऊपर से उनके जा रहे होते हैं। मिलिट्री आर्मी जो है एयरफोर्स डराने की कोशिश कर रही होती है, हट जाओ वरना बॉम्ब गिरा देंगे। लोग बोलते हैं गिरा दो, मर नहीं आए, गिरा दो, डरा कह रहे हो, सीधे फेंको, हम मरने ही आए हैं यहाँ पे। सबके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। हालांकि 2014 में मतलब जब ये पूरा रेवोल्यूशन खत्म होता है, वाइंड अप होता है, तो डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए हुआ था, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, सेक्युलरिज्म आना चाहिए, चीजें बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं 2014 में। इजिप्ट में तो अभी भी पूरा मिलिट्री का राज है, पूरा वही काम कर रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड पूरा एक्शन में आया था, लेकिन फाइनली मुस्लिम ब्रदरहुड को पीछे ढकेल के बोला कि नहीं, तुम इतने केपेबल नहीं हो, हम रूल करेंगे। आर्मी ने ऐसा बोला, हम रूल करेंगे, तो एक्चुअली वहां पे डेमोक्रेसी है नहीं, सिर्फ एक मुखौटा है, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो और एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे रेवोल्यूशन, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का, सीधा अरब स्प्रिंग से प्रेरित थे। वो बहुत बड़ा इवेंट था जिसने पूरा वर्ल्ड के डायनेमिक्स को चेंज किया था। हम अगले वीडियोस में देखेंगे, दो पार्ट में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद कद्दाफी ने सारे रिमार्क्स दिए कि ये तो टेररिस्ट हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका कुछ नहीं है, लेकिन सबका दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ कि फाइनली 20 अक्टूबर 2011 में ऐसा बोला, वैसे तो ये बोला जाता था जब ये न्यूज आई कि गद्दाफी की डेथ हो गई है, तो लोगों ने ये बोला कि डेथ नहीं हुई, मतलब क्योंकि उनका कोई फुटेज नहीं था। काफी लोग ये बोल रहे थे कि शायद उनको गोली लग गई या बॉम्ब उनके ऊपर गिर गया, मतलब बॉम्बिंग्स में वो मारे गए हैं नाटो की, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था। एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने उनको भगा भगा के पीटा, और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फुटेज है वो, बहुत ही ज्यादा। इस समय तो लीबिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते, हालत बहुत बुरी है इस समय लीबिया की, ठीक है। तो बहुत ही हालत खराब थी, मतलब जो फुटेज थी वो तो काफी डिस्टर्बिंग थी, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ था कि ये वेस्ट वर्ल्ड को बड़ा अच्छा मौका मिल गया था, उन्होंने अपने पुराने बदले लेना शुरू कर दिए। जो जितने भी रिबेल्स थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। भैया ये तो है ही है, जब भी कोई लड़ता है तो वेस्टनर्स को बड़ा मजा आता है, ठीक है। सब यहाँ पे अपनी इंसानियत की कोई ऐसा लगता है कि कीमत ही नहीं है। आज सीरिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही एक, कितना सोचे कि एक्चुअली अगर हम देखें तो हम लोग की कोई औकात ही नहीं है, हम लोग इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या औकात है, हम कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, ये पूरा हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। हमको सबको मिल बांट के रहना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जमीन के चक्कर में, एक्सपेंशन के चक्कर में हर कोई आज एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। इस चीज को सोचने की जरूरत है, हम क्या बनते जा रहे हैं, ठीक है। चीजों को बिल्कुल सही से देखें, और सिर्फ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, हर किसी को कम से कम एक टाइम का खाना तो मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छा उसको मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन कम से कम कोई इंसान भूखा ना सोए। लेकिन आज ऐसे वैसे हालात है ही नहीं, भूखा तो छोड़िए, सीरिया में तो ऐसी प्रॉब्लम्स है कि फुटेज देख के ही दिल बैठ जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। और ये बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटिश, ये बड़ा इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। देख ही रहे ना कि सीरिया में कितना कबाड़ा करके रखा हुआ अमेरिका और रशिया ने, बशर अल असद के चक्कर में। अमेरिका बोलता है अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा बशर अल असद को, और रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो अलग ही चल रहा है पूरा का पूरा मैटर। इसको थमना चाहिए, इसको रुकना चाहिए, ठीक है। तो आई एम सॉरी अगर ये वैसे मेरा पर्सनल व्यू है, आप, ये डेमोक्रेसी है, आप अपना व्यूज बिल्कुल रखें, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो खैर गद्दाफी मतलब ये सारी एयर स्ट्राइक्स होती हैं, और एयर स्ट्राइक्स में ऐसा बोला जाता है कि गद्दाफी मर गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वीडियो सामने आता है, उनको भगा भगा के मारा जाता है, ठीक है। तो फाइनली गद्दाफी का इतना जो लॉन्ग रूल था वो एंड होता है, ठीक है। और उसके बाद अभी तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है लीबिया की, और कुछ बचा ही नहीं है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगभग हमेशा चेंज होते रहते हैं वहां से, और काफी दिक्कत है, ठीक है। अब वहां पे वो एक ऑयल सोर्स भी है, तो अगर लीबिया में दिक्कत आएगी तो इनडायरेक्टली यहां पे भी दिक्कत आएगी, तो प्रॉब्लम तो काफी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। देखिए इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी फातिमा अल नूरी, वो 1969 में इनकी शादी हुई थी, वो डॉटर ही थी जो इनके मिलिट्री में जनरल खालिद उनकी डॉटर थी। जो दूसरी वाइफ थी सोफिया, ठीक है, उनके साथ इनका जो रिलेशन था वो काफी लंबा चला। 6 बच्चे थे, टोटल 6 थे, हालांकि उसमें कुछ तो एडॉप्टेड थे, ठीक है। वैसे तो 7 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन थे, लेकिन एक डॉटर थी हैना, उनको एडॉप्ट भी किया था हैना और मिलाद गद्दाफी को। हैना जो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई थी, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद हुआ था, ठीक है। तो ये थे। अब इसमें काफी बच्चे, तो जो स्पेशली जो बॉयज थे वो काफी स्पॉइल्ड थे,
है था ना कि जब बहुत ज्यादा पैसा और पावर आ जाती है तो काफी बिगड़ जाते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा स्पॉयल भी थे। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है, आखिरी तक उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था और साथ में ही थी सोफिया गद्दाफी के, ठीक है, लॉयल वाइफ थी। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, मोहम्मद अल गद्दाफी, मोहम्मद अल गद्दाफी काफी लोगों के आइडल भी है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी फिलॉसफी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा। अगला जो लेक्चर है वो अरब स्प्रिंग पे होगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।